देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि खोलने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोबाइल का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। हाँ सर, मॉडल नंबर पता होगा तभी हम उसको कहीं से भी यूट्यूब से भी देखें कुछ भी देखें तो उसका खोलने का एक तरीका हमें पता चले। सभी मोबाइल्स का अलग अलग तरीका होता है। तो एंड्रॉयड में इतने सारे मॉडल्स आते हैं आपको पता ही नहीं होगा कि कितने मॉडल्स हैं, कैसे डायग्नोस करोगे। तो सबसे एक ईजी तरीका है गूगल लेंस यूज़ करो आप। गूगल लेंस ऐप आती है वो यूज़ करो, उसमें फ़ोटो कैप्चर करो। फ़ोटो कैप्चर करोगे तो वो उसकी डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ पर फ़ोटोज़ बहुत सारी आएगी, वहाँ पर आपको मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा उसका। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉडल कौन सा है। अगर आपको मॉडल का नहीं पता चले कि कौन सा मॉडल है, कंपनी का तो पता चल गया कि जैसे मोटरोला है तो मोटरोला कंपनी का पता चल गया, पर आपको मॉडल नहीं पता चलेगा मोटरोला में कौन सा मॉडल है, तो आप गूगल लेंस के थ्रू इसको यूज कर कर पता कर सकते हो कि मॉडल कौन सा है। फिर आप उसको देख सकते हो कि कैसे ओपन करना है इसको। तो हम लोग आज असेंबल डिसेंबल करेंगे सब लोग। तो असेंबल डिसेंबल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप उसको खोलने के बाद में सबसे पहले आप बैटरी को निकालना है। बैटरी से पहले कोई भी कनेक्टर को आपको डिसेंबल नहीं करना है। किसी भी मोबाइल के अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी कनेक्टेड है, पावर कनेक्टेड है, चार्जिंग कनेक्टेड है, उस दौरान आपको कभी भी ना कोई कनेक्शन हटाना ना कोई कनेक्शन लगाना है। जैसे आप कई लोग होता है ना कि चालू के अंदर स्क्रीन को निकालते हैं लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पास रिपेयर के लिए आया स्क्रीन और प्रॉब्लम क्या आ गई, बैक लाइट। हाँ सर, स्क्रीन चालू में लगा उठाते हैं। चालू स्क्रीन में हम निकाल लेते हैं मोबाइल स्क्रीन को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार सही भी रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि बैक लाइट उड़ जाएगी अपने आप ही चालू में हम लगाएंगे या निकालेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, बैटरी निकालना ही है पहले। बैटरी निकालने के बाद ही जितने भी फ्लेक्स हैं उनको निकालना, पहले कोई भी फ्लेक्स को आपको नहीं निकालना है, सबसे पहले बैटरी को निकालना है। अब इस कंडीशन में हमारे पास में अगर डेड मोबाइल आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खोलेंगे, खोलने के बाद में हम बैटरी को निकाल कर बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले अगर बैटरी पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब बैटरी ओके है। प्रॉपर वोल्टेज में कितना वोल्टेज होना चाहिए बैटरी का, 3.7 से 4.2 के बीच में। हाँ, तो इतना वोल्टेज अगर आ रहा है तो बैटरी हम नहीं छेड़ेंगे। अगर उससे कम वोल्टेज आ रहा है, समथिंग आपका 2.7 से लेकर 3.3 के आसपास तक, तो हम बैटरी को बूस्ट करेंगे। बैटरी को बूस्ट कर कर उसके बाद में लगा कर देखेंगे तो उसे हमें एक पता चल जाएगा कि बैटरी का इश्यू है या फिर मोबाइल में इश्यू है। तो अभी हम लोग सब असेंबल डिसेंबल करेंगे। डिसेंबल करते सबसे पहले आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, कितना बैटरी का वोल्टेज है। जिसमें अगर बैटरी वोल्टेज कम है तो उसको बूस्ट करना है। मैं आपको डीसी से एक एक बता दूंगा सबको कि कैसे बूस्ट करना है। और अगर बैटरी ओके है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के ऊपर हम GR वैल्यू चेक करते हैं, तभी हमें पता चलेगा ना कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पर ही GR वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद हम पूरा मोबाइल को ओपन करेंगे, मदरबोर्ड को निकालेंगे। इससे पहले हम ऐसा नहीं है कि डेड कंडीशन में आया बैटरी का फॉल्ट है हम लोग पूरे मदरबोर्ड को निकाल लिया, पहले ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको बैटरी को ही चेक करना है। तो इसलिए हम सब लोग एक एक मोबाइल, अनिल एक एक मोबाइल दे दो सबको। तो सबसे पहले हम पीछे से इसको ओपन करेंगे, बैटरी को निकालेंगे। अगर बैटरी पेस्टेड है, आईपी थोड़ी ना लाए, उधर देख लेना, अगर बैटरी पेस्टेड हो तो आईपी लेकर आना। फिर जो बैटरी पेस्टेड होती है, चिपकी हुई होती है, उसको आईपी से निकालते हैं हम लोग।